सुनवाई की है, तो उसमें उन्होंने केजरीवाल सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं और उनकी बहुत ही आलोचना की है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अभी भी ये अपनी टोपी दूसरे के सर पहनाने का काम होता रहा तो हमें ये ऑडिट करवाना पड़ेगा कि आपने कितना स्पेंड किया है और अपने प्रचार पर कितना खर्च किया है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीरता वाली बात है। दिल्ली के लिए बड़ा आज ऐसा दिन है कि जब कोर्ट ने कई बार दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, लेकिन आज एक गंभीर मसला है। खुद दिल्ली सरकार कहती रही, कभी जब अभी अक्टूबर शुरुआत में कह रहे कि पराली की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन आपने देख लिया पराली का कितना योगदान है। पराली तो 4-5-7% योगदान है, और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पॉल्यूशन AQI लेवल कम है, दिल्ली में ज्यादा है। तो इसका सीधा अर्थ है कि दिल्ली के अंदर वास्तविकता में, हम भी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन होता है, व्हीकल पॉल्यूशन है, दिल्ली सरकार ने अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपने ही कहा था हम बैटरी व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे दिल्ली सरकार ने, लेकिन आज तक उन्होंने अपने DTC बेड़े में कितनी बैटरी व्हीकल्स शामिल किए बताएं केजरीवाल साहब। कोई 5 ऐसे काम, ठोस कदम जो इन 7 सालों में केजरीवाल साहब ने उठाए हो और जिस पर उन्होंने काम किया हो सिवाय विज्ञापन के। और आज तो माननीय कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप कभी दिल्ली केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हैं, कभी निगम को आप कहते हैं जिम्मेदार है, तो कभी हरियाणा और पंजाब को कहते हैं। लेकिन आज तो कोर्ट ने कह दिया कि आप निगम नहीं, अपनी बात करिए, आप जिम्मेदार हैं, आपका काम है ये। और दिल्ली के अंदर जो वास्तव में कोई ठोस प्लान है वो इन्होंने नहीं दिया। और जब 2018 में एक ग्रीन एक्शन प्लान लागू किया था कि हम स्मोक टावर लगाएंगे दिल्ली के अंदर, हम बैटरी व्हीकल को बढ़ावा देंगे दिल्ली में, हम सोलर एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे दिल्ली के अंदर, हम ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज तभी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, वो बाहर घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं, हरियाणा घूम रहे हैं, वो उत्तराखंड घूम रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिल्ली के पॉल्यूशन से डर लगने लगा है, काम नहीं करना है उनको। तो ये सवाल आज बहुत बड़ा सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं बजाय दिल्ली की बेहतरी के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। आपको इतना बड़ा बजट मिला है एनवायरमेंट सेस में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा, क्या किया आपने उसका? आपने केंद्र सरकार ने यमुना जी की सफाई के लिए आपको पैसा दिया, आपको पूरी मदद करने के लिए केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन का रोल, काम को ग्राउंड लेवल पे कराने का रोल तो आपने निभाना है, वो तो किया नहीं। तो इसके लिए पूरी तरह दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के लोगों को एक स्मोक चेम्बर में रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है, और जिसके कारण से कोर्ट ने भी कहा और सब लोग भी जानते हैं कि कितनी तरह की बीमारियां आज हर घर के अंदर, लोगों को गले का इन्फेक्शन हो रहा है, TB के केसेस बढ़ गए हैं, चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ गया है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? और मैं तो ये कहता हूं कि उससे भी बड़ी बात में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है दिल्ली में, हम फिर भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के साथ हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, दिल्ली की जनता को बेहतर हवा मिले इसके लिए मिलकर भी काम करने के लिए तैयार है। लेकिन वो तो कभी दोषारोपण कभी निगम को देते हैं, कभी केंद्र सरकार को देते हैं, कभी हरियाणा सरकार को देते हैं। तो मेरा केजरीवाल साहब से यही कहना है कि दिल्ली के हित में आप काम करिए। आप पिछले 1 महीने में कितने दिन दिल्ली आप रहे हैं इसका भी तो ब्यौरा दीजिए कम से कम, कि आपको दिल्ली में पॉल्यूशन लग रहा है तो आप तो चले जाते हैं गोवा में अच्छी हवा लेने के लिए, कभी चले जाते हैं पंजाब और कभी उत्तराखंड, तो दिल्ली वालों का कौन सा कसूर है आपको चुनके? तो ये बहुत गंभीर सवाल है और इस पर ठोस काम करने की जरूरत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई दिल्ली के अंदर। आप देखिए, हर एक झूठ की इनकी पोल खुली है। इन्होंने ऑक्सीजन पर झूठ बोला, इन्होंने पराली पर झूठ बोला, इन्होंने दिल्ली के अंदर जिस समय बिजली के क्राइसिस की, कोल की कमी का बखेड़ा खड़ा किया था और मुद्दे को ध्यान भटकाने की कोशिश की, वो भी झूठ।
इनका सब झूठ सामने आ रहा है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को कुछ ठोस कदम उठाए आज इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक कहीं नजर नहीं आ रहे, तो वो काम करने की जरूरत है। सिवाय आपने प्रचार के लिए आपने लोगों को कभी व्हीकल ऑड इवन किया है, कभी आपने कोई अपील की है, तो इन सब कामों की बजाय ठोस काम करने की जरूरत है। अभी पीछे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी को इन्होंने स्टडी करने के लिए बोला था, 1 करोड़ रुपया रिलीज भी किया, क्या किया उसका? तो सिर्फ आप जिस दिन आप अभियान शुरू करते हैं उस दिन बड़े बड़े स्तर पर प्रचार होता है कि एक स्मोक टावर लगाएंगे और उसका प्रचार आप उत्तराखंड और गोवा में भी करेंगे कि हमने दिल्ली में स्मोक टावर लगा दिया, लेकिन उसका रिजल्ट यही था। दिल्ली में आपने क्रैकर्स भी बैन कर दिए, दिल्ली में आपने छठ पूजा भी बैन कर दी, रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट आज दिल्ली की जनता को चाहती। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता का कसूर क्या है कि जो आप यूपी चले जाए, आप हरियाणा चले जाए, आप बॉर्डर पार करेंगे तो वहां हवा साफ है, दिल्ली में हवा तो वातावरण तो सबका एक जैसा है। दिल्ली में आखिर आपने नाकामी की, आप फैक्ट्रियों के बारे में, आप गाड़ी व्हीकल के बारे में, आपने डस्ट के लिए क्या किया? आप यही बस सबसे सिंपल बात है कि दिल्ली में जो स्वीपिंग होती है, क्या दिल्ली सरकार का फर्ज नहीं है कि जो फव्वारा चले और मैकेनिकल जो उनकी सड़कों पे काम हो उसमें वो मदद करे, क्या उनका काम नहीं है? आज पीडब्ल्यूडी देखो, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे धूल ही धूल है। डीएसआईडीसी आप जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइए वहां धूल के सिवा कुछ है नहीं। आपको बद से बदतर जहां राज्य हैं उन जैसी पोजीशन दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो इसका कारण धुआं धूल जिसके कारण होती है और धूल से पॉल्यूशन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ठोस कदम उठाने की जरूरत है और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार इस मामले में बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही है। लोगों की जो ठोस काम करने चाहिए वो नहीं करे और जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा, आज उनको शर्म लगे नहीं लगे, लेकिन एक दिल्लीवासी के रूप में हमें जरूर ये शर्म महसूस हो रही है कि हम लोग जो दिल्लीवासी के रूप में, दिल्ली के नागरिक रूप में दिल्ली में रह रहे हैं, सुबह हम वॉक नहीं कर सकते, सुबह हम टहल नहीं सकते। हमें हर पिछले 6-7 सालों में हर अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक हम लोग सब लोग घरों में कैद हो जाते हैं, तो दिल्ली का क्या कसूर है? यही कसूर है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ा अगर प्रदूषण कोई है दिल्ली में तो वो केजरीवाल जी है।